नमस्ते नमस्ते, नमस्ते प्रधानमंत्री जी। मैं सीए अजय दवे हूँ, मुंबई मध्ये आपला स्वागत आहे। धन्यवाद। एक धन्यवाद देना चाहता, पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो उद्योग और अर्थतंत्र व्यवस्था के लिए जो कानून और व्यवस्था में जो बदलाव लाए हो, जीएसटी, डिमोनिटाइजेशन, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम से लेके बैंक्रप्सी कोड, सब सबसे आज भारतीय उद्योग को एक नियमबद्ध तरीके से प्रगति करने की सुविधा हो गई है। और पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इस कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाने से जो क्लैरिटी आई है उद्योगों को, आज सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक चौकीदार के रूप में सेवा करने में सुविधा भी मिल गई है। सो धन्यवाद। प्रश्न सर, सर हमारा प्रश्न यह है सर, बालाकोट में जो आपने करके दिखाया वो गजब हो गया और सबका गर्व, सबका सीना गर्व से फूल गया है। मित्र परिवार सबको एक गर्व की भावना है और पूरे देश में आज एक ऐसा लग रहा है कि भारत सालों बाद किसी ने भारत का दम दिखाया। सर मेरा प्रश्न है, थोड़ा व्यक्तिगत होगा आप एक तरीके से, सर दो चीज बताइए। पहला, आपको ये फैसला लेने में ताकत प्रेरणा कहां से मिली? और दूसरा, आपके मन में क्या ये विचार आया एक क्षण के लिए भी कि यदि इस ऑपरेशन में कोई चूक हो जाती तो आपके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? धन्यवाद सर। दवे जी, एक तो दवे जी आपने अपना बात की शुरुआत में किया कि बालाकोट मैंने किया। जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। हमारे सुरक्षा बलों ने किया है और ये सबसे पहले हम सब की तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक निर्णय का सवाल है, देखिए इस देश में आपने ढेर सारे प्रधानमंत्री या देखे हैं या उनके विषय में सुना है, और कई लोग उस समय भी जब 2014 का चुनाव था प्रधानमंत्री की कतार में खड़े थे। आज लाइन थोड़ी लंबी हो गई है। अगर मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोदी नहीं होता। अगर यही राजनीतिक पैंतरेबाजी से देश चलाना होता, नफा नुकसान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक भलाई, उसी को लेकर के अगर निर्णय करने होते तो मोदी की इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं, 70 साल तक चलाया है, मेरे जैसे व्यक्ति की क्या जरूरत है। और इसलिए मेरे लिए देश सबसे ऊपर होता है। 125 करोड़ देशवासी मेरे लिए सबसे ऊपर होते हैं। और मेरा है क्या, आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है। दूसरा, मुझ जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अनजान व्यक्ति को 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है।
हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है। ये दुर्भाग्य है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है, उसका कारण मोदी है, उससे ज्यादा ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं, और तब जाकर के बराबरी की बात होती है। तीसरी बात, ये निर्णय मैं इसलिए कर पाया, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है, उन्हें छूट दे पाया, इसका कारण यह कि मुझे उनकी डिसिप्लिन में भरोसा है कि वो कभी वैसा काम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे देश को नीचा देखने की नौबत आए। इसलिए उनके सामर्थ्य पर भरोसा और उनके डिसिप्लिन पर विश्वास, इसके कारण उनके हाथ में इतना बड़ा निर्णय देने की मुझ में ताकत थी। अब इसके पीछे मेरा विचार प्रक्रिया क्या है, हो सकता है शायद दवे यही जानना चाहते हो। देखिए, ये आतंकवाद से हम 40 साल से पीड़ित हैं। कौन ये पाप करता है सारी दुनिया को पता है, रिमोट कंट्रोल कहां है सबको मालूम है, आतंकवादियों के आका कहां बैठे हैं सबको मालूम है, और वे आए मारे चले जाए, मुंबई में आए अनेक लोगों को मार के चले जाए, उरी में आए। अब मुझे बताइए, हमारे सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं, थोड़ा सा पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं, और सुबह टीवी चालू करो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां, वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है खेल वहीं खेला जाएगा। अब मैदान उन्हीं का होगा, मैदान उन्हीं का होगा। और आतंकवाद, और मुझे सबसे बड़ी बात, कभी कभी ये हमारे देश के भी कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको हो क्या गया है। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है, 1.5 महीना हो गया, अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया है तो शायद कुछ करेगा नहीं, मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है जी, देश प्रायोरिटी है। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हां बालाकोट में कुछ हुआ था तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि हां टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है,
हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपाए छुपा रहना ही बनता नहीं है। आपने देखा हो, डेढ़ महीना हो गया किसी को जाने नहीं देते, और हमें कुछ लोग बताते हैं कि फिर से उस सारे इलाके को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उसको एक ऐसा रूप दिया जा रहा है वहां बच्चों का स्कूल चल रहा है, ताकि दुनिया को ले जाकर के दिखाया जाए कि वहां कभी टेररिस्ट कैंप था ही नहीं। लेकिन अब ऐसी जगह पे वार हुआ है, इसके कारण ये सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चलते थे, और इसी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी, कितने लोग मरे उससे नहीं है, वो तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं, उनके परेशानी इस बात की है कि इससे थप्पा पक्का लग रहा है कि टेररिस्टों का कैंप यहां चलता था। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मोदी को गाली देने में जो उत्साही लोग हैं वो वहां पाकिस्तान की अपने बयानों से मदद कर रहे हैं।